हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग पॉइंट। फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग पॉइंट में। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी स्टूडेंट पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में अभी फर्स्ट एडमिशन लिस्ट के अनुसार एडमिशन नहीं हो पाया है, उन लोगों के लिए खुशखबरी आ रही है क्योंकि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की तरफ से डेट को बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ जो स्टूडेंट फॉर्म भरने के समय में, अप्लाई करने के समय में जो है सो अपना सब्जेक्ट गलत चूज कर लिए थे, तो उनके लिए भी खुशखबरी आ रही है क्योंकि वो स्टूडेंट भी अगर करवाना चाहते हैं उनके लिए भी खुशखबरी आ रही है क्योंकि वो भी अपना पेपर जाके चेंज करवाना जाके सब्जेक्ट चेंज करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से जानेंगे। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, इस वीडियो से बने रहें, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही यूनिवर्सिटी से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, न्यूज की तरफ बढ़। फ्रेंड्स, ये देखिए दिया गया यहाँ पे PPU स्नातक दाखिला की तिथि बढ़ी। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के स्नातक नामांकन में आवेदन कर चुके छात्रों के लिए राहत की खबर है। विश्वविद्यालय ने उन छात्रों के लिए नामांकन की तिथि 3 दिन बढ़ा दी है जो प्रथम सूची के अनुसार आवंटित कॉलेज में दाखिला नहीं ले पाए। फ्रेंड्स, प्रथम सूची में जिसका भी नाम आया था वो अगर एडमिशन अभी तक नहीं ले पाए तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है क्योंकि 3 दिन बढ़ा दिया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा बार बार इस सूची को संशोधित किए जाने की वजह से कई कॉलेजों में दाखिला 7 जून से शुरू हो सका था। ऐसे में हजारों छात्रों का नामांकन 3 दिन में संभव न होते देख विश्वविद्यालय ने बढ़ाकर अब 13 जून कर दिया है। यानी प्रथम सूची के अनुसार अब कॉलेज 13 जून तक छात्रों का दाखिला ले सकते हैं। फ्रेंड्स, जिसका लास्ट डेट 10 तक था अब उसको डेट को बढ़ा करके 13 जून कर दिया, यानी कि आप आराम से अब एडमिशन ले सकते हैं 13 जून तक। अपनी गलती को सुधारते हुए विश्वविद्यालय ने 3 दिन के लिए पोर्टल खोलने का भी निर्णय लिया। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे बड़ी खुशखबरी ये आ रही है कि 3 दिन के लिए फिर से पोर्टल खुलने वाली है। विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी के मुताबिक पोर्टल पर जाकर छात्र केवल विषय के विकल्प का बदलाव कर सकते हैं। अगर जो भी स्टूडेंट हड़बड़ी में कुछ गलत विकल्प विषय चूज कर लिए थे वो जाके अपना विषय का विकल्प बदल सकते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि 16,000 छात्रों ने फॉर्म भरने में गलती कर दी है और उन्हें गलती सुधारने का एक मौका और दिया जा रहा है, लेकिन केवल विषय का विकल्प बदलने की छूट देने पर छात्रों ने सवाल उठाया है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए दो खुशखबरी आ रही है कि एक तो डेट बढ़ चुकी है और जो भी स्टूडेंट गलत विषय चूज कर लिए थे जल्दबाजी में वो अपना विषय को भी चेंज करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।